मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में हुई बैठक के बाद मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान उनसे राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या लोकसभा चुनाव में राहुल पीएम मोदी को टक्कर दे पाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेसी होने के नाते मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा हूं। हम लोग तो पहले से मानते थे और राहुल जी को हम लोग बहुत करीब से हम लोगों ने देखा है। राहुल जी तो वही है जो आज है, पहले भी थे वे, आज भी वही है, लेकिन जनता ने जाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उनको उनके सामने आने से, उनकी लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी बेहद घबराई हुई है। इसलिए तो उसकी सदस्यता समाप्त कराई, इसलिए उसके बंगले खाली कराए गए। तो घबराहट तो वहां बहुत ज्यादा है, इसी संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। पीएम फेस के तौर पर मैं तो कांग्रेसी होने के नाते मैं कहूंगा कि पीएम फेस हमारे राहुल जी हो। वहीं प्रियंका गांधी के लोकसभा जाने को लेकर सीएम भूपेश ने क्या रिएक्शन दिया वो सुनिए। बहुत हमारे तो स्टार प्रचारक हैं और लगातार सक्रिय भी रहती हैं और लोग उससे बड़े प्रभावित हैं, तो उनका तो उपयोग हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ज्यादा ज्यादा करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तैयारियों को लेकर भी उनसे सवाल किए गए। टिकट वितरण को लेकर जब उनसे पूछा गया कि क्या सिटिंग एमएलए के टिकट काटे जाएंगे, इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। तो पार्टी लगातार सर्वे करती रहती है और समीक्षा भी करती है किसका परफॉर्मेंस कैसा है, और इसीलिए तो पार्टी मतलब यहाँ पार्टी के प्रभारी भी हैं, ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, हर विधानसभा में भी लोग जा रहे हैं, सर्वे भी कराते हैं। तो उस आधार पर अब पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे राय शुमारी करके तय की जाती है। हो सकता है कुछ सीटें जिसमें हमारे कैंडिडेट कमजोर हों उसको दूसरे काम में लगाए जाएंगे, या किसी को और बड़ी जिम्मेदारी देना है तो उनको भी उसके लिए भी उसको इस चुनाव ड्राफ्ट करेंगे। साथ ही सीएम भूपेश ने आगे बताया कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने क्या कुछ चुनौती है। ड्राफ्ट चैलेंज तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो अप्रजातांत्रिक ढंग से जो कार्रवाइयां हो रही है, तो सबसे बड़ी चुनौती हमारा ईडी और आईटी है। कब किसको धर दबोचे कोई भरोसा नहीं इनका, क्योंकि उसी प्रयोग करेंगे, अच्छा ये आदमी काम का है पहले उसको पकड़ो, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी कोई चुनौती नहीं छत्तीसगढ़ में। इस बार पाटन में बघेल वर्सेस बघेल मुकाबला होने वाला है। विजय बघेल के उनके खिलाफ चुनाव लड़ने पर सीएम ने कहा कि बीजेपी को पता है कि वो चुनाव हार रही है। विचार था पहले तो कांग्रेस में थे, युवा कांग्रेस में थे, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, उसके बाद उसको अब सत्ता प्राप्त करना था। मैंने कहा था कि आप नगर निगम नगर पालिका चुनाव लड़ लो, तो निर्दलीय लड़े, तो उन्होंने अपना रास्ता तय किया और विभिन्न दलों से गुजरते हुए निर्दलीय, फिर एनसीपी, फिर बीजेपी, ऐसे सब घूमते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये जो मैं पहले तक के ये सोचता था 23 तारीख पहले तक के मेरी लड़ाई उससे होगी, लेकिन अब पता चला कि ईडी और आईटी से लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी मान ली है कि हमारा कैंडिडेट कमजोर है।